بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه وبارك وسلم تسليما اما بعد ये हजरत साद इब्न अबी वक्कास की हदीस चल रही थी और मुकम्मल हो चुकी है, अलबत्ता आखिर के चंद लफ्ज़ बाकी हैं। ये चंद अल्फाज आपको हल करने के लिए दिए भी नहीं थे, लेकिन इसको मुकम्मल करने की वजह से मैं इसको पढ़ देता हूँ। लाकिनिल बाईसु साद इब्न खौला, तो यहाँ पर एक तो आप सबसे पहले 22 के माना आपको मालूम होने चाहिए, वरना तो तर्जमा सही नहीं हो पाएगा। तो 22 के माने आते हैं बुस, बुस से निकला है, बुस कहते हैं फक्र, और 22 फक्र वाला, तो फक्र वाला तो साद इब्न खौला है। असल में आप पहले मतलब समझ लीजिए, हुआ यह कि साद इब्न खौला मक्का मुकर्रमा में इंतकाल फरमा गए थे, हालांकि इन्होंने हिजरत की, लेकिन इंतकाल हुआ इनका मक्का में, तो गोया के ये हिजरत में वापस अपने घर आ गए, तो हिजरत जाहिरी एतबार से मुकम्मल नहीं हुई। तो इसका अफसोस कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बेहतर यह था कि मदीने ही में इंतकाल होता, ताकि हिजरत मुकम्मल हो जाती। तो लाकिनिल बाईसु फक्र वाला तो साद इब्न खौला है, यानी जाहिरी एतबार से उनकी जो हिजरत पूरी नहीं, उस पर मुझे अफसोस है। तो ये 22 इसमें फाइल है बुस से, और बुस के माने आता है फक्र, जाहिर में जो आदमी के ऊपर हालात ऐसे लगते हैं जिससे वो परेशान है, तो फक्र वाला तो साद इब्न खौला है। अब यहाँ पर ये लाकिन है, अगर आप इसको लाकिन को आतिफा बनाएं और नून को तशदीद के बगैर पढ़ें, तो अब होगा लाकिन अल बाईसु मुब्तदा साद इब्न खौला खबर। लेकिन लाकिन को साकिन हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमें आगे अल बाईस से इसको मिलाकर पढ़ना है, तो इस वजह से पढ़ेंगे लाकिनिल बाईसु, क्योंकि साकिन को जब हरकत दी जाती है तो जेर की हरकत दीजिए, लाकिनिल बाईसु, और सीन पर पेश मुब्तदा होने की वजह से। लेकिन आप इसको लाकिनल बाईसा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लाकिन्ना को हरफ मुशब्बा बिल फेल बना ले, और हरफ मुशब्बा बिल फेल बनाने के अंदर बस एक काम करना पड़ेगा कि आप इसके ऊपर तशदीद पढ़ दीजिए। जब आप तशदीद पढ़ेंगे तो अब ये हरफ मुशब्बा बिल फेल का इस्म बन गया, तो यही मुब्तदा अब इस्म बन गया, और हरफ मुशब्बा बिल फेल का इस्म मंसूब होता है, तो अब पढ़ेंगे लाकिनल बाईसा। लेकिन मुहद्दिसीन ने इसको लाकिन पढ़ा है, यानी हरफ अत पढ़ा है, और अल बाईस को मुब्तदा बनाया है, तो बेहतर लाकिनिल बाईसु है, यानी लाकिन को हरफ अथ बनाइए, हरफ मुशब्बा बिल फेल मत बनाइए। अगरचे लुगत के एतबार से हरफ मुशब्बा बिल फेल पढ़ना भी दुरुस्त है, लाकिन अल बाईसा साद इब्न खौला, साद इब्न खौला यह खबर है कि अफसोस वाला आदमी तो साद इब्न खौला है। आपको पहले बतला दिया था कि साद तो असल खबर बन रहा है, लेकिन इब्न बनता है हमेशा सिफत पहले की, तो साद मरफू है खबर होने की वजह से, लिहाजा इब्न भी मरफू पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये साद की सिफत है। और खौला इस पर आप क्या पढ़ेंगे भाई सलमान, आप बताएं क्या पढ़ेंगे इस पर? फतह पढ़ेंगे हजरत। क्यों पढ़ेंगे फतह? क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। नहीं, एकदम गैर मुनसरिफ पर फतह पढ़ा जाता है एकदम? पहले कुछ और तो बतलाएं। ये असल में मुजाफिले है इब्न का। जी, तो
रहना चाहिए इसको, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर कसरा इसके लिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। हाँ तो ये बात हुई कि इबिन के बाद जो आता है वो हमेशा मुजाफिल ही होता है, तो कायदे के अतबार से हमें पढ़ना चाहिए था सादु इब्न खौलतिन, मुजाफिल मजरूर होता है, तनवीन भी उस पर आती है, लेकिन ये गैर मुनसरिफ पड़ गया। गैर मुनसरिफ क्यों? एक तो नाम है और दूसरा मोनस है, जो भी नाम हो मोनस हो, जैसे आयशा, खदीजा, हबीबा, सब गैर मुनसरिफ होते हैं, तो गैर मुनसरिफ पर कसरे की जगह फतह आता है, तो हम पढ़ेंगे सादु इब्न खौलता। लाकिनिल बाइसु सादु इब्न खौलता, लेकिन अफसोस वाला आदमी तो साद इब्न खौला है। बस यहाँ पर हदीस पूरी हो गई। अब क्या मतलब है इसका? ये रावी बतला रहे हैं, यानी साहबी कह रहे हैं यरसी लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसा यरसी कहते हैं किसी जो आदमी मर जाए और मरने के बाद उस पर अफसोस जो जाहिर किया जाए, इस अफसोस के जाहिर करने को रसा यरसी कहते हैं। आपने सुना होगा मरसी या कलाम, शुआरा जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो अशार पेश करते हैं और उस अशार में अपना गम जाहिर करते हैं कि ये ऐसे थे, हमें छोड़कर चले गए, ऐसे थे, तो इसी को कहते हैं मरसिया, यानी मरे हुए आदमी की तारीफ करना और अपना गम जाहिर करना। तो असल में ये अरबी है, रसा यरसी अपने गम को जाहिर करना और दिल गमगीन होना। तो उसके बारे में साहब रावी कहते हैं यरसी गम जाहिर किया करते थे लहू साद के लिए, कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूलुल्लाह इसके फाइल बनेंगे और रसा यरसी ये फेल बनेगा। अच्छा यहाँ पर है अन माता बिमक्कता, ये अगर आप तर्जमा करेंगे तो आपसे तर्जमा नहीं होगा। अन ये के माता मर गए थे वो मक्के में, लेकिन ये के वो मर गए थे मक्के में, बात समझ में नहीं आ रही, ये के वो मक्के में मर गए थे। हाँ अगर आप या इसलिए की, अगर आप इसलिए की कहेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, लेकिन इसलिए की तर्जमा हम कैसे करें, यहाँ तो कोई अरबी में हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो उसका जवाब यह है कि असल में अन जो मसदरिया होता है, अन जो मसदरिया होता है उससे पहले बहुत सी मरतबा लाम छुपा हुआ होता है, और ये लाम होता है वजह के माने में, इस वजह से कि वो मक्के में मर गए थे। यानी साद इब्न खौला पर अल्लाह के रसूल गम क्यों जाहिर किया करते थे? क्योंकि साद इब्न खौला मक्के में इंतकाल कर गए थे, तो ज़ाहिरी एतबार से हिजरत उनकी मुकम्मल सी नहीं दिखाई दे रही है। तो आप ये याद रखें हमेशा कि अन से पहले हम बाद मरतबा ला वजह के माने में छुपा हुआ होता है। कुरान में तो बहुत सारी मरतबा छुपा हुआ होता है, और उससे जब तक कि वो आप नहीं समझेंगे तो तर्जमा गलत हो जाएगा। इस वजह से कि वो मर गए थे, यानी साद इब्न खौला मक्का में, तो यहाँ बा का तर्जमा में से हो रहा है, तो यहाँ बा ज़र्फ़िया होगा, यानी में के माना में होगा। तरकीब तो आसान है, रसूलुल्लाह उसका फाइल बनेगा, अन मस्दरिया माता फेल हुआ ज़मीर फाइल बी मक्का जार मजरूर से मिलकर मुतालिक हो जाएगा माता से, माता फेल अपने मुतालिक से मिलकर अन की वजह से मस्दर बन जाएगा, मस्दर जार हरफे मस्दर मजरूर बन जाएगा लाम हरफे जर का, लाम हरफे जर अपने मजरूर से मिलकर मुतालिक हो जाएगा यरसी का। अच्छा ये लाम कैसा होगा? ये लाम होगा सबबिया, क्योंकि इसके जरिए से वजह बयान की जा रही है कि अल्लाह के रसूल क्यों गम जाहिर किया करते थे, इस वजह से के, इसी को सबबिया कहते हैं, इसी को तालीलिया कहते हैं, और ये लाम महजूफ है। ये आपकी हदीस शरीफ पूरी हो चुकी है। एक आसान सी हदीस आगे देख लीजिए, वान अबी हुरैरा, अबी हुरैरा बहुत आसान है, या क्यों आया है? ये हालत जर्री में है। हालत जर्री क्यों है? इसलिए कि इसके ऊपर अन दाखिल है। अब हालत जर्री इसकी कैसी होगी कि अब असमाई सितम का, अब मैं आपको इस तरीके से बतलाऊं जैसे मैं आपसे सवाल करता हूं, तो आप सबसे पहले ये बताएं अब मजरूर है, क्यों मजरूर है? इसलिए कि अन इस पर दाखिल है। अब हम पूछेंगे इस पर मजरूर होने की कैसी हालत है, तो आप कहेंगे इस पर मजरूर होने की हालत ये या के जरिए से जाहिर हो रही है, क्योंकि ये अब असमाई सितम मुकबरा मुदाफ में से है, और असमाई सितम मुकबरा पर हालत जर्री में या आती है, इस वजह से इस पर या आई। या आपका जवाब पूरा हो गया। अब हम पूछें हुरैरा पर क्या पढ़ेंगे, आप कहेंगे फतह पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे फतह?
आप कहेंगे कि मुजाफिले ही है, हम कहेंगे मुजाफिले तो मजरूर होता है, तो उभरे रतीन पड़े, आप कहेंगे कि गैर मुनसरिफ है और गैर मुनसरिफ पर हालत जर्री में फतहा आता है ना कि जेर, इस वजह से हमने अभी हुरैरा पढ़ा। और जब भी गैर मुनसरिफ आएगा आपको बतलाना पड़ेगा क्यों है, नंबर एक नाम है हुरैरा और नंबर दो मोनस है। उसके बाद अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान क्या पढ़ेंगे, आप कहते हैं कि हम इसके ऊपर जेर पढ़ेंगे, हम कहेंगे क्यों पढ़ते हैं आप जेर, आप उसको जवाब देंगे कि अबू हुरैरा से ये बदल है, क्योंकि जो अबू हुरैरा है वही अब्दुर्रहमान है, जो अब्दुर्रहमान है वही अबू हुरैरा है, और बदल इसी को तो कहते हैं कि अल्फाज दो हों लेकिन मिसदाक एक हो। तो हमने अबू अभी मजरूर है अन की वजह से और अब्द मजरूर है अबू हुरैरा से बदल होने की वजह से, ठीक है। अर्रहमान पर क्या पढ़ेंगे, जेर पढ़ेंगे, क्यों, इसलिए कि मुजाफिले है। अब्दुर्रहमान निबनी, नून पर क्या पढ़ेंगे, जेर पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, इसलिए कि पहले की सिफत है और मौसूफ अब्दुर्रहमान है, अब्दुर्रहमान यहाँ पर मजरूर है लिहाजा सिफत भी इब्न भी मजरूर कहलाएगी। आगे क्या पढ़ेंगे, सखरिन, सखरा क्या पढ़ेंगे, सखरिन पढ़ेंगे, क्योंकि ये इब्न का मुजाफिले है और मुजाफिले पर तनवीन आती है और जेर क्या कहते हैं जर आता है और ये गैर मुनसरिफ है नहीं, इस वजह से हम इसको तनवीन के साथ मजरूर पढ़ेंगे, फतहा इस पर नहीं पढ़ेंगे। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूल, पहला काला यानी अबू हुरैरा ने कहा और दूसरा काला यानी अल्लाह के रसूल ने कहा, तो पहले काला के अंदर तो हुआ ज़मीर फ़ाइल निकलेगी क्योंकि वो पीछे उसका तज़किरा आ चुका, जब फ़ाइल का तज़किरा पीछे आ जाए तो अब आपको ज़मीर निकालनी ज़रूरी होती है, और जब फ़ाइल का तज़किरा आगे आए तो अब आप ज़मीर नहीं निकालेंगे बल्कि कहेंगे कि फ़ाइल आगे आ रहा है, इसमें ज़ाहिर, इसी को कहते हैं इसमें ज़ाहिर, रसूलुल्लाह इसमें ज़ाहिर है क्योंकि दिख रहा है आपको, इस वजह से ज़ाहिर है ये, और ये है इसमें ज़मीर, ज़मीर छुपी हुई है ना, काला के अंदर है, हम ऐसे ही निकाल रहे हैं कि काला के अंदर हुआ छुपा हुआ है, वरना हकीकत में तो दिख नहीं रहा है, इसी वजह से कहते हैं इसको इसमें मुजमर, मुजमर कहते छुपी हुई। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया आपने, इन्नल्लाह, अब आप यहाँ पर अटकेंगे कि हम इन पढ़ें या पहले तो ये तय करो कि इन्ना पढ़ना है या इन पढ़ना है, यानी शर्तिया पढ़ना है अगर के माने में या इन्ना पढ़ना है मुशब्बा बेशक के माने में, तो हम देखें पहले इन पढ़ते हैं, अगर अल्लाह ताला नहीं देखेंगे तुम्हारे जिस्मों को ना तुम्हारी सूरतों को लेकिन तुम्हारे दिलों को और आमाल को देखेंगे तो क्या होगा, पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि इन गलत है, एक तो माना के एतवार से भी गलत बैठ रहा है और दूसरे आम तौर पर इन के बाद फेल आता है, इन के बाद आम तौर पर, हमेशा नहीं, कुरान में वह इन अहद मिनल मुशरिकीन, यहाँ पर इन के बाद इस्म आया है तो आम तौर पर इन के बाद फेल आता है, यहाँ पर फेल नहीं आ रहा तो इस एतवार से भी मैं इन्ना समझ में आता है। और दूसरा सवाल ये होगा कि आप इन्ना पढ़ेंगे या अन्ना पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों पढ़े जाते हैं, आप कहेंगे कि हम इन्ना पढ़ेंगे, पूछा जाएगा क्यों पढ़ेंगे आप इन्ना, कि दिल कर रहा है, जबान पर चढ़ा हुआ है, देखा था कहीं, नीचे हमजा लग रहा है, ये सब जवाब बेकार के हैं। आप कहेंगे जवाब कि इन्ना आता है जुमले के शुरू में, जहां जुमले की शुरुआत जहां से होगी वहां तो इन्ना आता है, और जहां जुमले की बीच हो, जुमले का बीच हो वहां अन्ना आता है, तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल की बात यहाँ से शुरू हुई है तो जुमले की शुरुआत हुई है, जब जुमले की शुरुआत हुई है तो जुमले की शुरुआत में इन्ना आता है, इस वजह से हम यहाँ पर इन्ना पढ़ेंगे, यह है असल इसका जवाब। तो यह हो गया इन्ना। उसके बाद मोटी मोटी तरकीब के अल्लाह ताला नहीं देखते तुम्हारे जिस्मों को, अल्लाह ताला नहीं देखते तुम्हारे जिस्मों को, ठीक है। तो अल्लाह ताला के बारे में बतलाए, अल्लाह मुब्तदा बना, ला यंजुर इला अजसासिहिम, खबर बना, लेकिन इन्ना उस पर आ गया तो यही मुब्तदा इन्ना का इस्म बन गया। हम पूछेंगे इस पर एराब क्या पढ़ेंगे, आप कहेंगे मंसूब पढ़ेंगे, पूछा जाएगा क्यों, आप जवाब देंगे क्योंकि इन्ना का इस्म मंसूब होता है। ला यंजुरु, अब आपको मालूम हो गया कि खबर फेल भी होती है इस्म भी होती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर तो फेल है और इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाती सुदूर, वहां पर इस्म है अलीम, इन्नल्लाह खबीर ये भी इस्म है, इन्नल्लाह लतीफ ये भी इस्म है, तो इस्म भी होती है फेल भी होती है खबर दोनों होती है।
नजर यंजुरु बाब नसरा से पढ़ना है, मुजारे है, वाहिद मुजक्कर गाइब है। कौन नहीं देखता? अल्लाह ताला नहीं देखता। तो फाइल का तज़किरा पीछे आ चुका है, लिहाजा आप यहाँ पर ज़मीर निकालेंगे कि हुआ ज़मीर इसका फाइल है। हकीकत में तो अल्लाह ताला फाइल है, लेकिन नाहवियों का ये कायदा है कि वो फाइल को पीछे नहीं मानते। अगर फाइल का तज़किरा पीछे आ जाए तो कहते नहीं इसके अंदर ज़मीर है और वो ज़मीर लौट रही है अल्लाह की तरफ, हालांकि हकीकत में अल्लाह ही फाइल है। लेकिन लफ्जी एतवार से वो ये कहेंगे कि हुआ ज़मीर फाइल है, और मानवी एतवार से हम कहते हैं कि अल्लाह फाइल है। ये वही है लफ्ज़ और माना का फ़र्क जो मैंने शुरू ही में कह दिया था। अल्लाह ताला नहीं देखते आपके जिस्मों को, मैं तर्जमा कर रहा हूँ को, और आप यहाँ देख रहे हैं इला, तो मुझे करना चाहिए था तरफ। तो उसका जवाब वही है जो पहले आ चुका है कि ये सिले का है, और सिले में अरब वाले तो नजर यंजुरु के साथ इलाही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कहते मैंने उसकी तरफ देखा, बल्कि कहते मैंने उसको देखा। तो हमारी उर्दू में तो देखने के साथ को इस्तेमाल होता है, तो हम तो को इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी उर्दू का अंदाज है, वो उनकी अरबी का अंदाज है। तो अल्लाह ताला आपके जिस्मों को नहीं देखेंगे। यहाँ पर अजसाम जमा इस्तेमाल हुआ, क्यों? इसलिए कि कुम बहुत सारे हैं। अगर वाहिद होता तो जिस्म इस्तेमाल होता, और क्योंकि कुम जमा है तो इस वजह से अजसाम जमा इस्तेमाल करेंगे। कुम कौन सी जमीर बनेगी? ये जिनके आगे महफूज लिखा हुआ वो बतलाएं चैट के जरिए से। वला इला सुअरिकुम, आप बतलाएं जिनके आगे नौशाद लिखा हुआ कि वाव के जरिया कहाँ होगा? सुअर, आप बताएं भाई मेहरबान, सुअर किसकी जमा है? वला किन का किन पढ़ेंगे किन्ना पढ़ेंगे? आप बताएं भाई अकील, सो रहे हैं ना सब? नहीं नहीं देख रहे, देख रहे हैं। ज़मीर मुत्तसिल, मुत्तसिल के साथ साथ क्या और भी तो होता है ना, मजरूर बनेगा, मंसूब बनेगा, मरफू बनेगा। मजरूर मुत्तसिल, वला किन्ना पढ़ेंगे, क्या पढ़ा जाएगा? वला किन्ना, वला किन्ना पढ़ा जाएगा, क्यों? हर्फ मशरबा फेल है, हर्फ मशरबा ऐसे के बाद ऐसे फेल आता है। ठीक है, आप बताएं जिनके आगे अहमद लिखा हुआ है, वलाकिन में वाव का अर्थ कहाँ होगा? आप बताएं भाई शफीकुर रहमान के वलाकिन के बारे में, लाकिन पढ़ा जाएगा या लाकिन ना पढ़ा जाएगा? लाकिन पढ़ा जाएगा, इसलिए कि वो लाकिन और मुशब्बह फेल इसमें भी दाखिल होते हैं और ये फेल पे दाखिल है। ठीक, क्या नहीं है वो मैसेज नहीं आया? चलिए, इन्नल्लाहा ला यंजुर इला अजसामिकुम, मैंने बतलाया अजसाम जमा है क्योंकि कुम ज़मीर जमा है, अल्लाह ताला आपके जिस्मों को नहीं देखते। वला इला सुअरिकुम, यावर बतलाएं सुअर का वाहिद क्या है? सूरतुन, सूरतुन है। सुअरिकुम ये जमा है, तो आपको ये याद रखना है सूरा नहीं पढ़ना बल्कि सुअर पढ़ना है। फुअलतुन की जमा है फुअल, फ़िअलतुन की जमा है फ़िअल, फ़ालतुन की जमा है फ़ाल, ये याद रखना है। सूर, अल्लाह ताला आपकी सूरतों को नहीं देखते। मैंने कहा था वाव का अर्थ कहाँ हो रहा है, तो अजसाम पर होगा, सही बतलाया, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई। क्या कमी रही? कि अगर आप इसका अजसाम पर अर्थ करेंगे तो इबारत बता क्या बनेगी, इबारत बनेगी ये बन जाएगी। ये बनेगी वो ला यंजुरु इला ला इला सुअरिकुम, तो दो दो मर्तबा इला इला आ रहा है। ये आपसे गलती हुई कि दो दो मर्तबा इला इला क्यों आया, तो
तो इस वजह से अब पता लगा कि अजसाम पर अर्थ नहीं होगा, इला पर अर्थ होगा। तो जब हम इला पर अर्थ करेंगे तो वो तो कट ही गया, जिस पर अर्थ करते हैं वो कट जाता है, तो आप इसे काटिए, अब सही हो जाएगा। ला यंजुरु ला इला सुअरिकुम, वाव तो पढ़ते नहीं क्योंकि वाव तो अर्थ है, और ला भी ना पढ़ना चाहिए क्योंकि ला जायदा है, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखते। तो इस वजह से आप याद रखें इला पर अर्थ होगा, क्योंकि अगर इला से पहले अर्थ करेंगे तो इला जू का तू बाकी रहेगा, जब इला जू का तू बाकी रहेगा दो दो मरतबा इला हो जाएगा, जो गलत है। वाव को तो पढ़ते नहीं क्योंकि आतिफा है, और लाम को इस वजह से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये जायदा है। तो अल्लाह ताला आपके जिस्मों को नहीं देखते, आपको सूरतों को नहीं देखते। वलाकिन, लेकिन मैंने पूछा इसका अर्थ कहाँ है, इसका अर्थ है इन्नल्लाह पर, अल्लाह ताला नहीं देखते तुम्हारी जिस्मों को, तुम्हारी सूरतों को, लेकिन अल्लाह ताला देखते हैं तुम्हारे दिलों को, तुम्हारे अमाल को। तो ये पूरा जुमला अलग बन जाएगा, जुमला इस्मिया खबरिया, और वला कि यंजुरु ये अलग से जुमला फेलिया बनेगा, क्योंकि यहाँ पर यंजुरु फेल आ रहा है। लेकिन तो हर्फ अत्फ है, हर्फ का एतबार नहीं होता, ये तो इस्म का एतबार होगा, इस्म आएगा तो इस्मिया बनेगा, फेल आएगा तो फेल बनेगा। तो इस वजह से इस्म का एतबार नहीं हो, वो हर्फ का एतबार नहीं होगा, आप ये नहीं कहेंगे ये जुमला हर्फिया बनेगा। तो ये लेकिन हर्फ अत पढ़ेंगे बगैर तशदीद के, क्योंकि अगर हर्फ मुशब्बा पढ़ेंगे तो हर्फ मुशब्बा के बाद तो इस्म आता है, और यहाँ पर इस्म नहीं आ रहा है। लेकिन अल्लाह ताला देखेंगे तुम्हारे दिलों को, यहाँ पर भी कुलूब जमा इस्तेमाल हुआ क्योंकि कुम जमा इस्तेमाल हुआ है, और ये ज़मीर मजरूर है क्योंकि मुजाफिले बन रही है, मुत्तसिल है क्योंकि मिलकर आ रही है, और न अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देखते हैं, आमाल का अर्थ होगा कुलूब पर। यहाँ कुलूब पर अर्थ करेंगे क्योंकि यहाँ आमाल के साथ इला इस्तेमाल नहीं हुआ, तो हमको इला की ज़रूरत है, तो कुलूब पर अर्थ करेंगे ताकि इला हमें मिल जाए आमाल के अंदर भी। चलिए हदीस शरीफ पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ माना की तरफ भी ध्यान देखना चाहिए कि अल्लाह ताला न शक्लों को देखते न सूरतों को देखते, लेकिन दिलों को और आमाल को देखते हैं। और अब अजीब बात है, हम शक्लों को देखते हैं और माल को देखते हैं, दूसरी हदीस में माल का भी तज़किरा है जहाँ तक मेरे याद पड़ता है, ना हम दिल को देखते किसी के न किसी के अमल को देखते, बल्कि तो माल को देखते हैं या फिर खूबसूरती को देखते हैं। असल तो यही मकसद है ना हदीस शरीफ का, खाली फाइल मफूल भी और जार मजरूर लेकर अगर कब्र में जाएंगे तो फरिश्ता तो डंडा ही बजाएगा, यहाँ जार मजरूर नहीं चलेगा, मैं तेरा दरबा यदरीब करूँगा यहाँ पर, ये तो सब जार मजरूर और फाइल मफूल और मातू मातू फले बदल मुबदल मीनू सब इसी वजह से तो है कि कुरान हदीस समझ में आ जाए, और कोई पागल इसी में उलझा रहे कि ये जुमला फेलिया बना जुमला इंशाइया बना और अल्लाह उसके रसूल से गाफिल रहे, तो फिर इसको जुमला फेलिया इंशाइया कोई फ़ायदा नहीं देने का। असल तो इस तरफ तवज्जो होनी चाहिए। सुभानअल्लाहि बिहम्दिही सुभानकअल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम।